फाइनली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवान फिल्म के रिलीज हुए बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन हो चुके हैं और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के अब तक की यानी टोटल 9 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ फिल्म की कंपैरिजन करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 की शुरुआती 9 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। दोस्तों, अगर आप भी किंग खान और यश को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे इन दोनों ही फिल्मों में से शुरुआती 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया और कौन सी फिल्म ने 9वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस का किंग बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर। तो बता दें कि ये फिल्म पिछले साल यानी 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को प्रशांत नील के डायरेक्शन में लगभग 150 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाया गया था, जिसमें रॉकिंग स्टार तो वही उनके साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में दिखाई दिए थे और वाकई में इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच सबसे पहले से ही जबरदस्त क्रेज बना हुआ था, क्योंकि चैप्टर 1 में इतना जबरदस्त सस्पेंस छूट जाता है कि हर एक ऑडियंस केजीएफ चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। और जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में इस कदर टूटे मानो कहीं अरसों से इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वाकई में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि ये फिल्म तो ऑफिशियली कन्नड़ लैंग्वेज की थी और ये पहली कनाडा की फिल्म निकली जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कलेक्शन कर दिखाई। तो वही हिंदी वर्जन से भी फिल्म ने लगभग 434 करोड़ रुपए की लाइफ टाइम कलेक्शन करके एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। वैसे अगर बात की जाए फिल्म की शुरुआती 9 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर, तो बता दें कि फिल्म ने पहले दिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से लगभग 164 करोड़ 50 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी, जो कि एक 150 करोड़ वाली मूवी के लिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में हिस्टोरिकल शुरुआत रही और इस तरह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी और फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में ही लगभग 720 करोड़ रुपए तक की कलेक्शन कर चुकी थी। तो वही 8वें और 9वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी और जहां 8वें दिन लगभग 31 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कलेक्शन कर दिखाई, तो वही 9वें दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में लगभग 25 करोड़ रुपए की शानदार कलेक्शन की थी और इसी के साथ फिल्म की शुरुआती 9 दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 776 करोड़ रुपए देखने को मिली थी। तो वही हिंदी वर्जन से फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों में 280 करोड़ 19 लाख रुपए तक की कलेक्शन कर ली थी। वहीं अब बात कर लेते हैं जवान को लेकर, जो कि बता दें ये फिल्म साउथ के जाने माने डायरेक्टर यानी एटली के डायरेक्शन में बनाई गई है। लगभग 300 करोड़ रुपए की भारी बजट में इस फिल्म को बनाया गया। ये फिल्म में भरपूर एक्शन और वीएफएक्स का यूज किया गया, जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, बजट के हिसाब से ठीक ठाक ही कमाई कर रही है। जी हाँ, बताते चले कि फिल्म में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति और नयनतारा लीड रोल में दिखाई देते हैं। तो वहीं कैमियो के तौर पर दीपिका पादुकोण, संजय दत्त और थलापति विजय भी नजर आते हैं और वाकई में इन सभी एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस वही फिल्म की कहानी और क्लाइमैक्स एकदम एडवांस लेवल का होने की वजह से ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करने लगी। बताते चले कि ये ऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज की है, लेकिन फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया गया है और फिल्म को जहां ऑल ओवर इंडिया में लगभग 7500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज किया गया, तो वहीं वर्ल्ड वाइड ये फिल्म लगभग 10500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स में चली है। वैसे अगर बात की जाए फिल्म की अब तक की टोटल यानी 9 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर, तो बता दें कि फिल्म ने पहले ही दिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से लगभग 129 करोड़ 10 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी, जो कि अब तक की बॉलीवुड में सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई। वही बॉलीवुड के लगभग सारे रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर दिए थे और इसके अलावा पैन इंडिया की भी कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था और इसी तरह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी और फिल्म ने अपने शुरुआती 7 ही दिनों में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से लगभग 660 करोड़ 3 लाख रुपए तक की कलेक्शन कर ली थी। वहीं 8वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ पकड़ बनाए रखी और लगभग 36 करोड़ 64 लाख रुपए तक की ताबड़तोड़ कलेक्शन कर दिखाई और इसी तरह बता दें कि आज भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी स्ट्रांग होल्ड तो कर रखी है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आज भी वर्किंग डे होने की वजह से जाहिर सी बात है कि फिल्म की कमाई में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और यही वजह है कि अभी तक की मिनी रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म आज के दिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड से 32 करोड़ 80 लाख रुपए तक की कमाई करते हुए दिखाई दे सकती है
और इसी के साथ फिल्म की 9 दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 729 करोड़ 47 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो वही 9 दिनों की टोटल हिंदी वर्जन से हुई कलेक्शन लगभग 365 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल सकती। वही अब बात कर लेते हैं इन दोनों फिल्मों की कंपैरिजन के बारे में कि शुरुआती 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया। तो आप देख सकते हो कि केजीएफ चैप्टर 2 लगभग 776 करोड़ रुपए तक की कलेक्शन 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड से की थी। तो वही जवान फिल्म लगभग 729 करोड़ रुपए के आसपास ही कलेक्शन करती हुई दिखाई दी, जिससे केजीएफ चैप्टर 2 जवान से लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कलेक्शन के साथ आगे दिखाई दी। और यही वजह है कि शुरुआती 9 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है। हालांकि जिस हिसाब से जवान रफ्तार देखने को मिल रही है, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 1000 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर जाएगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या केजीएफ चैप्टर 2 जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में लाइफ टाइम लगभग 1250 करोड़ रुपए तक के कलेक्शन कर रखी है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकेगी जवान या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।